आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मंडलेश्वर में भाजपा ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला। मंडलेश्वर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले का देश भर में विरोध हो रहा है। उसी कड़ी में भाजपा मंडल मंडलेश्वर द्वारा भी विरोध दर्ज कराया गया। स्थानीय राजीव गांधी प्रतिमा स्थल के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश चंद्र मोइदे, सुरेश व्यास, मंडल अध्यक्ष मधु पाटीदार, चैतन्य पटवारी, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्याम मेवाले, मनोज शर्मा, पार्षद मनोज कुमरावत, गोपाल केवट, पूर्व पार्षद सलीम जोए, दीपक सिंह कुशवाहा ने ममता बनर्जी पर तानाशाह होने का आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अखिलेश बर्वे ने किया। कानून व्यवस्था के लिए टीआई संतोष सिसोदिया पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पुतला दहन में रितेश शर्मा, विजय पाटीदार, दिनेश पायलट, कमल कानूडे, विक्रम पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंडलेश्वर से दुर्गेश राजदीप की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ममता बनर्जी के लोगों द्वारा पथराव किया गया और पार्टी को वहाँ से अच्छे वोटों से जिताने के लिए, जब पार्टी अच्छा काम कर रही है तो वहाँ ये गुंडागर्दी तत्व काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और विरोध प्रदर्शन किया।